वॉक नहीं करी अभी से 5 मिनट की हुई है। 8 मिनट वापस कैसे आएंगे? कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता है। स्टार्टिंग जब से बाहर से आए थे ना, बहुत ज्यादा थक गए थे, तो उसके बाद बस हम लोगों ने खाना खाया और आपने नोटिस नहीं किया कि मैंने आज ये पहना था फ्रेंड्स। और आप गेस करो, बस आपको पता ही है कि जब सनी मोरा से आया था तो वो हमें एक गिफ्ट लाया था, तो मैंने आज उसका गिफ्ट पहना है। और ये कितना स्पेशल है क्योंकि गिफ्ट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैटर नहीं करता कि कितना कीमती है, कितना महंगा है, फर्स्ट मैटर करते हैं। और ये चूड़ियों में इतनी खुशी मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि डायमंड पहना है। और वो जो शादी वाली सूटकेस है उसमें रखने के लिए ड्रेस भी ली थी, तो वो इंशाल्लाह आपको कल दिखाएंगे, अम्मा और बेटी खाला को भी दिखाएंगे, साथ साथ आपको भी दिखा देंगे। तो दिन बहुत अच्छा था, बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों से मिले। और आज के दिन की सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा है कि जो हमें जोमेटो की डिलीवरी करने आए थे, उन्होंने अपनी बेटियों से वीडियो कॉल कराया और वो इतना ज्यादा खुश थे कि हमने उनकी बेटियों से बात की। वो मुझे बाद में बहुत सारी दुआ दे गए, खुशी इस बात की कि वो कितने अच्छे पापा हैं जो अपने काम के बीच में अपनी बेटियों को वीडियो कॉल करके उनसे बात करा के, और जब उनसे बात हो जाती है तो उसकी इतनी ज्यादा खुशी कि वो अल्लाह आपको खुश रखे ऐसे बोल के गए। तो कितना मैटर करता है उनको अपनी बेटी की खुशी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के पापा। तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के जरिए। कोई भी पापा अगर अपनी बच्चियों को इतना नहीं प्यार करते हो या इतनी केयर नहीं करते हो, वैसे तो आजकल सभी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देख रहे हो उसमें से कोई एक भी करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बेटियों को बहुत अच्छा लगता है जब पापा केयर करते हैं। तो आप इसको देखे यहाँ पे आके आराम कर रहा है, कम भी देने के लिए आ जाता है बेचारा। मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है? बहुत बदल रही है, बच तो रही है फ्रेंड्स, लेकिन अच्छी बहुत लग रही है। चलो हम चूड़ी वाला गाना गाते हैं। रेहान एक चूड़ी वाला गाना सुना, तो जल्दी से देखते तुम्हारा मेमोरी कितना तेज है। 1 2 3 स्टार्ट। बोल चूड़ियाँ बोल कंगना, बस उसके आगे नहीं आता। नहीं आगे भी, अरे नहीं आता। हाय मैं क्या उसके आगे, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जीव नहीं ओ लगदा, मैं ते मर जावा, ले जले जा सोनिए, ले जले जा दिल, ले जले जा। ओ लास्ट का ओ कैसा लगा आपको? मेरी सिंगिंग को रेट करो, 10 out of 10 दो मुझे कमेंट सेक्शन में, वेट करूंगी। जब आप लोग मुझे प्रोत्साहन दोगे, आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे, तो मैं आगे और गाऊंगी। तो प्लीज जल्दी जल्दी, रेहान कितने मिलेंगे मेरे सिंगिंग के लिए? नेक्स्ट डे हो गया है अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम बेटा, अब हम भी सलाम कर लें। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सब लोग अम्मी की तरफ से। तो क्या हो रहा है कि हमने कल नहीं दिया था, लेट हो गया था देव भैया को गिफ्ट, तो अभी अम्मी देने जा रही। सूट बहुत अच्छा लग रहा है अम्मी, अच्छा कलर देव का गिफ्ट कल नहीं दे पाए थे हम लोग, लेट हो गया था। ये कलर कितना अच्छा लग रहा है टी शर्ट का, देव भैया अच्छी है। देखिए भाभी अब साइज का नहीं पता, तो बेसिक होता है वो, नहीं वो निकल भी जाएगा। चलो सही है। फ्रेंड्स कल से मैं ऐसे ही सो गई थी और ऐसे ही उठी और ऐसे ही घूम रही हूँ, ऐसे ही रेहान को लेना चाहिए, पिछले का वहाँ पे कुछ लोग मिले फोटो भी खिंचाई। और लंच में खाया ये रोटी और सेम की सब्जी। इधर हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए ऊपर, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। आज से हमने ना एक हाउस हेल्प भी रख दिया ताकि थोड़ी सी क्लीनिंग होती रहे। डस्टबिन की पन्नी और बाल्टी मग ये भी कितना अच्छा लग रहा है ना बैठने के लिए। अम्मी आप भी सफाई में लग गए। हाँ देखो बैठे गंदा तो रह गई है, जितना सजाओ फ्रेंड्स उतना ही सब ये सब संभाल के रखने की जिम्मेदारी होती है। तो कल हमने जो चीजें ली थी हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारे घर की मैचिंग का योगा मैट मिल गया, क्योंकि हमें कमेंट्स में भी आया था कि पहले स्ट्रेचिंग और ये सब करो उसके बाद ट्रेडमिल पे चलो, सब फिट रहो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। देखो खुद वॉक पे नहीं जा रही है। बेडरूम की बेडशीट ये हम कल डालेंगे, सब कुछ व्हाइट व्हाइट तो ले लिया लेकिन गंदा बहुत होगा, सफाई उतनी ही करना पड़ेगी। हाँ। फ्रेंड्स अभी देखा वो जो है ना वो खेल खिलौने ये अलग से मिलते हैं फ्रेंड्स, इसमें भर के रख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि पूरा घर इनके बिना गंदा हो रहा है, हाँ, क्योंकि वॉशरूम से पैर गीले होते हैं। और ये मैचिंग का टॉवल, ये भी जरूरत की चीज थी। और ये दो फ्रेंड्स हमने तकिया लिए है, तो बेडरूम जो है हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि वॉलपेपर वाले भैया भी कल आएंगे, तो हम आपको सारी जो चीजें हैं जो हमें बिछाएंगे वो आपको अगले ब्लॉग में दिखा देंगे, क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया, हम कल से बना रहे हैं। खाली करके ये सूट किस रेहान को दे देंगे। इससे पहले संतोष भैया का ऑर्डर आ चुका। अच्छा, संतोष भैया ने जैसे देखा कह रहा है कि मेरी बीवी अपनी साड़ी रख लेगी, बहुत अच्छी बात। इसमें से एक कोई रिहान को दे देना, ये हमारे घर में सूटकेस बन जाते हैं। मैं भी रखती हूँ।
ब्लॉग में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है जिसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू। अरे हमें पायल से याद आया कि सनी ने मुझे पायल भी दी थी, पायल चूड़ी। चूड़ी मैंने कल दिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं पायल भी आपको दिखाऊंगी। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, शादी के सूटकेस में रखने के लिए ये हमने कल चिकनकारी लिया है। तो इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं इसको लेके बेटी खाना लोगों को दिखाने के लिए। अभी हम छुपा रहे हैं। अभी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कर लो, कैमरा बंद कर दो। ये थी पायल जो सनी लेके आया था हमारे लिए मौदा से, बहुत ही क्यूट सी थी और इसमें घुंघरू भी है। ये इसकी डिजाइन थी, बहुत ही अच्छी। और इससे भी अच्छा गिफ्ट क्या था, आगे मैं फोटो लगाती हूँ, आप वो देखिए। वो मुझे मौदा से ट्रेन में